नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिटकॉइन में आगे का लेवल्स क्या होगा, जिस पर जो है इसमें किस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, किस जगह पे जो लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं वो लॉन्ग पोजीशन एग्जिट होगा। ये सारा कुछ हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं कि बिटकॉइन का अभी का स्थिति क्या है, वो सारा कुछ ए टू जेड अभी के टाइम में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए हैं पहले से या फिर करने का सोच रहे हैं, तो वो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। बिटकॉइन लगातार जो है एक अपमूव देते आया है। ठीक है, और अपमूव देने के बाद बहुत सारा हम यूट्यूब पे या हर एक जगह हम सुन रहे हैं कि बिटकॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी का टाइम थोड़ा भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। यदि मेरा बात अगर आप मानेंगे तो अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है बिटकॉइन में। ठीक है, तो बिटकॉइन का वो कौन कौन सा लेवल्स होगा वो सारा कुछ अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि बिटकॉइन जो है एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। ये जो है एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है, जिसका ये थर्ड टाइम टेस्टिंग होने जा रहा है। ये जो टेस्टिंग हुआ है ये तीसरा बार थर्ड टाइम जो है ये टेस्टिंग होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जब कभी भी बियरिश पैटर्न, जैसे कोई पैटर्न है उसका अगर तीसरा बार किसी एरिया को हिट करता है और उसका ब्रेकआउट अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसका ब्रेकडाउन मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें जो है बियरिश फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। जो भी लोग इसमें हैं बिटकॉइन में, वो अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस जगह पे, फिर मौका मिलेगा फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी का टाइम जो है प्रॉफिट बुक करने का है। वो लेवल्स आपको बता रहे हैं किस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहां के नीचे जाएगा तो आपका टोटल का टोटल होल्डिंग इसमें से निकालना है। ये चीज ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आपको हम इसका लेवल्स हम अभी दे रहे हैं। इसके पास प्रॉफिट बुकिंग का जो फाइनल लेवल है वो है 4777920 से लेकर के 4746950। ये लेवल्स अगर हिट करता है तो 100% इस लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा बिटकॉइन में। बहुत तेज गिरावट इसमें हो सकता है, बहुत तेज गिरावट हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स पे या तो प्रॉफिट बुक करना है या तो अभी जो चल रहा है इस लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, ये लेवल तो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का इससे ऊपर अब चला गया बिटकॉइन, तो आप इस जगह पे कोशिश कीजिए, या तो अभी के टाइम में आप प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर ये जो लेवल्स आपको हम दिए हुए हैं इस लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी लॉन्ग पोजिशन बनाए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका लेवल्स क्या होगा। एक लेवल्स है आपका, अगर बिटकॉइन इसके नीचे, ये लेवल्स हम प्रोवाइड अभी करेंगे कि कौन सा लेवल है। ठीक है, डेली कैंडल में यदि जो है बिटकॉइन इस लेवल के नीचे का अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, जो लेवल्स अभी हम जोन्स हम जो बताएंगे, ठीक है, उस परिस्थिति में नेक्स्ट कैंडल, डेली कैंडल में आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल यदि जो क्लोजिंग जो दिया है कैंडल, ये वाला कैंडल, ये कैंडल जो क्लोजिंग जो दिया है इस लेवल्स के नीचे जो कैंडल क्लोजिंग दिया है, अगर उसका लो यदि टूट जाता है, उस परिस्थिति में आपके पास जितना भी होल्डिंग में बिटकॉइन पड़ा हुआ है, होल्डिंग में जितना भी बिटकॉइन पड़ा हुआ है वो सारा बिटकॉइन को निकाल ही दीजिए। या तो अभी के टाइम में जो पॉइंट चल रहा है इस पॉइंट पर आप सारा का सारा आप निकाल दीजिए, या फिर 4777920 अभी अच्छा मौका है आप लोग को निकलने का, 4746950 ये एक जोन है 1 आवर टाइम फ्रेम का ये जोन है। इस जोन के पास में निकाल दीजिए, या तो इस जगह पर निकाल दीजिए जो अभी प्राइस चल रहा है 4626561, ये अभी प्राइस चल रहा है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है आपका 4626561। ठीक है, तो ये प्राइस पर आप या तो निकाल दीजिए या फिर ये प्राइस पर निकाल दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों को फिर से हिदायत दे रहा है कि बिटकॉइन को इस जगह पे निकाल ही दीजिए। फिर से जब ये वाला जोन के ऊपर जाएगा तो फिर से सोचेंगे कि हाँ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है या तो इस प्राइस पर निकाल दीजिए होल्डिंग को या इस प्राइस पर निकाल दीजिए। आपको फिर से हिदायत दे रहे हैं, बहुत तेज गिरावट आएगा बिटकॉइन में। ठीक है, जैसे ही जो है आपको डेली कैंडल में जो हम आपको बता रहे हैं 4448250 से लेकर के 4330
0200 ये जोन को जैसी ही डेली कैंडल, ध्यान दीजिए ये जोन है ठीक है, जिसका एक प्राइस है 444-8250 और सेकंड का प्राइस है 433-0200 ठीक है। जैसी 433-0200 के नीचे एक दिन का कैंडल जैसी ये ब्रेक कर देगा नीचे साइड, और जो ब्रेक किया है उसका कोई लो तो लगा होगा, उस लो को जैसी ही ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल, जबरदस्त सेलिंग आएगा इसमें, बिटकॉइन में जबरदस्त सेलिंग आएगा, जल्दी फिर ऊपर नहीं जाएगा इस लेवल का, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी आप करंट मार्केट प्राइस पर आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर जो 1 आवर टाइम फ्रेम में लेवल दिए हैं उस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यदि इस लेवल के नीचे अगर डेली कैंडल का क्लोजिंग अगर हो गया ठीक है, और उसका जो क्लोजिंग जो दिया है जो कैंडल उसके लो को अगर टूट गया, डेली कैंडल का लो देखना है, जैसे मान लिया जाए कि 18 अप्रैल को जो है 18 अप्रैल का जो कैंडल है वो ऐसा बन गया ठीक है, 18 अप्रैल का कैंडल, और 19 अप्रैल का कैंडल इसका लो 18 अप्रैल के कैंडल का लो अगर ब्रेक कर दिया ठीक है, 19 तारीख का कैंडल ठीक है, 19 अप्रैल का कैंडल, उस परिस्थिति में किसी भी कीमत पर सारा का सारा इसमें जितना भी होल्डिंग आपका पड़ा हुआ है बिटकॉइन में वो टोटल आप एग्जिट कर लीजिएगा ठीक है, नहीं तो बिटकॉइन कहां तक गिरेगा इसका कोई अंदाजा नहीं आप लगा पाइएगा कि कहां तक गिरेगा। इसके बाद जो आपको एग्जिट करने का लेवल जो दिए हैं, यदि कोई बिटकॉइन में सेल का पोजीशन अगर बनाएंगे तो उनके लिए यही पॉइंट होगा 444-8250 से 433-0200 ठीक है, इसके लो को 433-0200 के लो को अगर डेली कैंडल अगर ब्रेक कर देता है उस नीचे साइड में, और इसका लो यदि ब्रेक हो गया डेली कैंडल में ठीक है, लो ब्रेक हो गया, आप इस जगह पे सेल मार लीजिएगा, इसके लो पर आप ट्रेड को इनिशिएट कर लीजिएगा ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ये अगर 444 जो है 8250 के ऊपर कोई कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाए और उसका हाई टूट जाए, यही बस आपका स्टॉप लॉस है। इस परिस्थिति में सेल कोई करेंगे तो उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट वन होगा 325490 से लेकर के 297500, ये आपका टारगेट वन होगा ठीक है। टारगेट टू क्या होगा, टारगेट टू 233150 से लेकर के 221590 ठीक है। इससे पहले अगर कोई स्विंग ट्रेड अगर करना चाहते हैं, टारगेट वन आप नोट डाउन कर लीजिए, टारगेट टू नोट डाउन कर लीजिए, सेल का एंट्री पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, और यही सेल का जो एंट्री पॉइंट है वो यदि आप जो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हम बताए हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो एग्जिट का जो हम लेवल बताए हैं उस लेवल पर अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो पूरे होल्डिंग को जितना भी बाइंग होल्डिंग है ठीक है, बाइंग होल्डिंग है ठीक है, वो इसी एरिया में जो सेल का जो कंडीशन बनेगा वैसे ही आप टोटल होल्डिंग को निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए हम बता रहे हैं, क्यों यही चीज आपको बता रहे हैं कि बिटकॉइन में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए हैं वो टोटल लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। हम बता रहे हैं आप लोग को बिटकॉइन में सही समय है एग्जिट होने का, एकदम सही समय है अभी के टाइम में एग्जिट होने का, आप लोग एग्जिट हो सकते हैं, फिर से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पैटर्न जो बना हुआ है ये पैटर्न बियरिश पैटर्न है ठीक है, इसका टेस्टिंग हो चुका है, इसका टेस्टिंग हो चुका है ठीक है। टेस्टिंग होने के बाद जो है ये टॉप पे ऐसा कैंडल जब कभी भी बनता है तो बहुत तेज गिरावट होता है, सेकंड चीज बताया आपको, थर्ड चीज आपको बता रहे हैं कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाता है, रिट्रेसमेंट लेते हुए जाता है जबकि बिटकॉइन लगातार भागा है। यदि इसका जो आप चार्ट आप देखेंगे, देख लीजिए आप लोग वीकली का चार्ट कैसे भागा, ये
आप देख लीजिए कि कैसे वीकली में ये भागा है, ठीक है। तो बिटकॉइन कभी भी ऐसे नहीं भागेगा, जब भी इसको भागना है तो ऐसे नहीं भागना है। यहां पर ये मेन लेवल आपको हम जो भी हम प्रोवाइड किए हैं वो आप लोग को एक्यूरेट लेवल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा होगा तो इतना इतना एरिया का आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये एरिया का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम ये गिरावट से तो आप बच जाइएगा। जो फॉल आने वाला है वो गिरावट से तो बच जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी लेवल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जानते भर में, वो अपना बेस्ट लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वो लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है तो अपने पूरे होल्डिंग को बिटकॉइन से निकाल लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।